शैलेश लोढ़ा के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू ने छोड़ा शो। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहा है। इन सालों में कई एक्टर शो से जुड़े और कई चले गए। अब इस लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू यानी राज अनाथकट का नाम भी जुड़ गया है। राज अनाथकट को लेकर आई इस खबर ने शो के फैंस को बड़ा झटका दिया है। पिछले काफी वक्त से ऐसी चर्चा हो रही थी कि राज अनाथकट तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा कहने वाले हैं, पर हर बार वो इन खबरों को अफवाह करार देते थे। हालांकि इस दफा टप्पू ने खुद सोशल मीडिया पर शो छोड़ने का ऐलान किया है। पोस्ट शेयर करते हुए राज अनाथकट लिखते हैं, वक्त आ गया है जब सभी तरह की अटकलों और सवालों पर विराम लगा दिया जाए। आधिकारिक रूप से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में आगे बात करते हुए वो लिखते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, दोस्त बनाए, ये करियर के सबसे बेहतरीन साल थे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। तारक मेहता की पूरी टीम, मेरे दोस्त, फैमिली और आप सभी लोगों का शुक्रिया। आप सभी लोगों ने मुझे टप्पू के रूप में अपनाया, प्यार दिया। आपके इसी सपोर्ट की वजह से मुझे अच्छा करने की हिम्मत मिलती रही। तारक मेहता की पूरी टीम और शो को भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ महीने पहले राज अनाथकट ने रणवीर सिंह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि उनका कई साल पुराना सपना पूरा हो गया है। हालांकि वो सपना क्या था इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी शेयर नहीं की थी। वहीं अब राज ने वादा किया है कि वो जल्द ही किसी नए माध्यम से लोगों को एंटरटेन करते दिखेंगे। राज अनाथकट से पहले तारक मेहता में टप्पू का किरदार भव्य गांधी निभा रहे थे। भव्य के जाने के बाद 2017 में राज अनाथकट शो से जुड़े थे। टप्पू के किरदार में राज ने लोगों का खूब प्यार पाया और हर किसी के फेवरेट बन गए। ऐसे में तारक मेहता में उनकी कमी खलना लाजमी है। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।